Namaste everyone. So students, today we will learn about integration by parts. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि integration by parts का use हम कब करते हैं. हम differentiation study कर चुके हैं और differentiation में हमने study किया था कि आपके पास जब दो functions product form में given हो तो आप UV rule, आप product rule use करते थे. Similarly, in case of integration, आपके पास जब product में two functions given है और आपको उनको integrate करना है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो लेट अस सी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है. चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, उसके बाद उस फॉर्मूले को डिराइव भी मैं करके दिखाऊंगी आपको. सो द फॉर्मूला इज यस इंटीग्रल ऑफ यू वी. तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शन ले लिया, यू एंड वी, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड नेम देंगे, ठीक है. एक को मैंने फर्स्ट दे दिया और एक को मैंने यहाँ पे सेकंड दे दिया, राइट. डिफरेंशिएशन में जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे वहाँ पे मैटर नहीं करता था कि विच फंक्शन इज फर्स्ट विच फंक्शन इज सेकंड, हम किसी को भी फर्स्ट या सेकंड कंसिडर कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन फर्स्ट होगा और एक फंक्शन सेकंड होगा, वो कौन सा फंक्शन फर्स्ट या सेकंड होगा इसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी. सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या है वो हम नोट कर लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन यू एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन वी, राइट, माइनस इंटीग्रल का साइन आ जाएगा यहाँ पे. नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन अगेन यही टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ दिस होल डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. तो यहाँ पे मैंने यू को फर्स्ट फंक्शन लिया, वी को सेकेंड फंक्शन लिया. तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन इंटीग्रल, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. तो सॉल्व करके जो भी आएगा उसका होल को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ लेट अस सी कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है और कैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना है, ये सारा भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे पहले इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं कि कैसे आएगा. तो स्टूडेंट, इफ़ यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स, ओके, देन वी नो डेरिवेटिव ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू, राइट. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके. सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट, यस, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. इट विल बी इंटीग्रल ऑफ u देन dv by dx प्लस इंटीग्रल ऑफ v du by dx इंटू dx, ओके. एंड नाउ वी कैन राइट इट एज uv, दिस इज uv आ जाएगा आपके पास क्योंकि ये डेरिवेटिव है और उसका अगर आप फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो यू वी आ जाएगा आपके पास, राइट. एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ यू इंटू डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट. एंड नाउ वी कैन राइट इट एज, यस, इसको हम लिख सकते हैं, यस, इंटीग्रल ऑफ यू इंटू डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, ओके. नाउ अब यहाँ पे मैं कुछ एज्यूम करूँगी, यस. नाउ वी विल एज्यूम, यस, लेट यू इज इक्वल टू यू को हमने एज्यूम कर लिया एफ एक्स, ओके. एंड वी विल एज्यूम डी वी बाय डी एक्स एज ए जी एक्स, ओके. तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया यू एज एफ एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स एज ए जी एक्स, ओके. तो फ्रॉम हेयर, यस, तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इट विल बी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स. सो फ्रॉम हेयर वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ओके. नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यूज, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज. सो
सो इंटीग्रल ऑफ यू तो ये आपके पास बन जाएगा यस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. ओके नाउ डी वी बाई डी एक्स फॉर्म में क्या चूँ किया जी एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यू यू मतलब एफ एक्स देन वी वी मतलब इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स ओके माइनस इंटीग्रल ऑफ वी वी तो वट इज वी हेयर वी इज इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स तो डी यू बाई डी एक्स यू इज एफ एक्स है आपके पास तो डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ देन इंटीग्रल ऑफ हाँ जी वी की वैल्यू पुट कर रही हूँ इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स एंड दिस होल एज ए डी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो स्टूडेंट यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे इनिशियली फॉर्मूला लिखा है और ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है अगर आप इन दोनों को मैच करें तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपका डिराइव हो गया. देखिए कैसे अगर मैं जस्ट एफ एक्स को यहाँ पे आपके पास बन गया इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स. ठीक है एक आपके पास फंक्शन एफ एक्स है एक आपके पास फंक्शन जी एक्स है जैसे कि यहाँ पे मैंने यू और वी लिया तो इसको मैंने एज ए फर्स्ट ले लिया यहाँ पे इसको एज ए सेकंड ले लिया. तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इस होल को हम ठीक है जो भी हम सॉल्व करके आएगा उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट. तो यहाँ पे मैंने यू भी यहाँ पे नेम दिया तो वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैंने एफ एक्स जी एक्स तो अगर आप यहाँ पे एफ और जी को यू और वी से रिप्लेस कर देंगे तो सेम यही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा राइट. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या है उसको एक बार और देखते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में टू फंक्शन है तो सबसे पहले आप उसको फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे नेम देंगे. वो कैसे नेमिंग देनी है अभी मैं आपको रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी बट फॉर्मूला क्या है सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन देन माइनस इंटीग्रल ऑफ यस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन द सेम यही वाला सेम स्टेप इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स देन होल जो भी सॉल्व करके आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट कर देंगे प्लस सी दैट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट स्टूडेंट्स. तो ये कैसे डिराइव हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है राइट स्टूडेंट्स. नाउ अब बात आती है कि जो फर्स्ट और जो सेकेंड फंक्शन जो हम यहाँ पे नेमिंग दे रहे हैं इसके क्या कुछ रूल्स हैं कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे तो सबसे पहले पॉइंट्स देखेंगे लेट अस सी वो पॉइंट्स क्या क्या हैं. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन अगर हमारे पास प्रोडक्ट में टू फंक्शंस हैं तो हमें किस फंक्शन को यहाँ पे फर्स्ट एज्यूम करना है और किसको हमें एज ए सेकेंड फंक्शन यहाँ पे लेकर चलना है. चलिए देखते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन है मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ एक्स लॉग एक्स आपके पास फंक्शन है एक्स लॉग एक्स तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एक एक्स फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है आपके पास. तो अगर आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में ऐसे हैं ठीक है जिसमें से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता आपको इंटीग्रल आपको नहीं पता कि उसका इंटीग्रल क्या होगा. अगर हम बात करें एक्स का इंटीग्रल हमें पता है एक्स स्क्वायर बाय टू लेकिन अगर हम लॉग एक्स इंटीग्रल की बात करें तो लॉग एक्स इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं होता राइट. तो आपने हमेशा क्या करना है जिसका इंटीग्रल आपको मालूम नहीं है जिसका इंटीग्रल हमें मालूम नहीं है ठीक है उसको हम लेकर चलेंगे यस उसको हम लेकर चलेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन और जिसका इंटीग्रल पता है उसे हम लेकर चलेंगे एज ए सेकेंड फंक्शन. उसकी वजह क्या है क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को ही इंटीग्रेट करते हैं ठीक है यहाँ पे इंटीग्रल हमेशा किसका होता है सेकेंड फंक्शन का होता है तो इसलिए हमेशा सेकेंड फंक्शन वही लेकर चलेंगे जिसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जा सके. तो इन केस अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हों जिसमें एक का इंटीग्रल आप नहीं जानते और एक का इंटीग्रल आप जानते हैं तो आप जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता जिसका इंटीग्रल आपको नहीं पता उसको आप एज ए फर्स्ट फंक्शन लेकर चलेंगे और दूसरे को आप एज ए सेकेंड फंक्शन. एंड नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कितना सिंपल हो जाएगा. सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले क्या आएगा लॉग एक्स ओके देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डेट इज एक्स एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू यू मतलब फर्स्ट फंक्शन तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स और उसके बाद स्टूडेंट आपने सेम यही स्टेप आपको यहाँ लिखना है. अगर आप चाहें इसको लिखने की बजाय इसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं तो उसका इंटीग्रल कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू और इस होल को आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है डी एक्स प्लस सी राइट. एंड नेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय टू नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी. एंड स्टूडेंट्स आप देखिएगा कितना सिंपल आपका ये क्वेश्चन अब बन गया यहाँ पे और ये सॉल्व करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय टू माइनस यस आपके पास एक एक्स बच जाएगा एक्स बाय टू डी एक्स प्लस सी एंड फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय टू यस
एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, नीचे टू भी है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अप्लाई करना आ जाएगा. तो सबसे पहला फंडा मैंने क्या बताया कि इनकेस अगर आपके पास प्रोडक्ट में ऐसे दो फंक्शंस हैं जिसमें से एक का इंटीग्रल आप जानते हैं, एक का इंटीग्रल आपको नहीं मालूम, तो जिसका इंटीग्रल आपको नहीं मालूम है उसको आप एज ए फर्स्ट फंक्शन लेकर चलेंगे और दूसरे को आप एज ए सेकेंड फंक्शन. इस फॉर्मूले में मैंने अप्लाई कर दिया, पहले फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी, लॉग एक्स एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी. नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये ऊपर एक्स बन जाएगा और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू डेट इज एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी. राइट स्टूडेंट, चलिए एक और यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और एक और यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट की कि अगर हमारे पास अगर ये केस आ जाता है तो हमने किसको फर्स्ट और किसको सेकंड यहाँ पे अज्यूम करके चलना है. तो लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट केस. तो इन केस स्टूडेंट्स अगर आपके पास मान लीजिए दो फंक्शन आ गए हैं, एक सेकंड स्क्वायर एक्स है और एक फंक्शन आपके पास है टेन एक्स, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फंक्शन, अभी मैं जो लास्ट केस कराया था उसमें एक फंक्शन का इंटीग्रल आपको नहीं मालूम था, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड स्क्वायर एक्स और टेन एक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल मालूम है. सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? यस, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स? यस, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इज यस लॉग मोड सेकंड एक्स प्लस सी, ठीक है. तो दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल है, दोनों का इंटीग्रल हम जानते हैं, लेकिन अब हमने करना क्या है, हमें ये देखना है दोनों में से किसका इंटीग्रल सिंपल है, इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कम है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल थोड़ा सिंपल है, टेंजेंट एक्स इसमें लॉग आ रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो हमने काम करना है जिसका सिंपल है, ठीक है, जिसका इंटीग्रल सिंपल है उसको हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेकर चलेंगे, राइट, और सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम लेकर चलेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन, राइट. चलिए अब नाउ अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सबसे पहले सेकेंड स्क्वायर एक्स, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट फंक्शन है वो किसको एज्यूम किया है यहाँ पे? यस, हमने सॉरी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैं इसको रिपीट करूँगी, जिसका इंटीग्रल इजी है उसको आप मान के चलेंगे एज ए सेकेंड फंक्शन और दूसरे को आप मान के चलेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. मैं ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जिसका इंटीग्रल सिंपल है उसको हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि हम जो इंटीग्रेट है वो सेकेंड फंक्शन को करते हैं, जो डोमिनेंस है वो हमारा इंटीग्रेशन है वो सेकेंड फंक्शन पर है, तो सेकेंड फंक्शन हम उसे ही एज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रल ईजी हो. चलिए तो हमने सेकेंड स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले टेन एक्स बाहर आएगा, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके. नाउ डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है डेट इज टेन एक्स, और उसके बाद सेम यही स्टेप हमने यहाँ लिखना है, तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है यस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, ओके. सो इट विल बी टेन एक्स, नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ओके. नाउ डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, राइट. और नाउ वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है. इसको सॉल्व करने के लिए नाउ पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स को टी पुट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये हमारा बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस ये सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ये बन जाएगा टी डी टी प्लस सी, ओके. इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, एंड दिस इम्प्लाई जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ टी, टी हमने किसको माना है टेन एक्स को, तो वी विल राइट टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाय टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी. उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी यस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी, राइट स्टूडेंट्स. तो सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो आप उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेकर चलेंगे जिसका इंटीग्रल ईजी है, कम कॉम्प्लिकेटेड है, राइट स्टूडेंट्स. चले नाउ तो लेट अस मूव टू अवर थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे. यस, तो थर्ड पॉइंट के लिए मैं आपको यहाँ पे कोडवर्ड बता रही हूँ, उस कोडवर्ड से भी हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं. तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि यहाँ पे कोडवर्ड लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज आई लेट यहाँ पे कोडवर्ड होता है. हेयर आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. सो हेयर आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. आई लेट, तो आई मीन्स
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, देयर आर सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल मीन्स लोगारिथमिक फंक्शंस, एल मीन्स लोगारिथमिक, ओके। ए मीन्स एलजेब्रिक, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मीन्स इसमें कोई भी पॉलीनोमियल आ सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, राइट। टी मीन्स ट्रिग्नोमैट्रिक, ट्रिग्नोमैट्रिक साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड, देर आर सिक्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। एंड हियर ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक कोड वर्ड है, डेट इज आइलेट, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइव के फाइव अल्फाबेट्स का एक मतलब है, हियर आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस, एल मीन्स लोगारिथमिक फंक्शंस, ए मीन्स एलजेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमैट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, राइट। तो अगर आपके पास इन पांचों फंक्शंस में से कोई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, कोई भी दो फंक्शन अगर आपके पास एक साथ प्रोडक्ट में आ रहा है, इन पांचों में से अगर कोई दो, तो आप उनका जो ऑर्डर है, उनको फर्स्ट और जो सेकंड नेमिंग है, आप उसी ऑर्डर में देंगे जिस ऑर्डर में ये आपके पास पूरा कोड वर्ड है, डेट इज आई एल ए टी एंड ई, राइट। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ओके। तो एक्स आपका कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो आप इस कोड वर्ड में देखेंगे कि एलजेब्रिक पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल, एलजेब्रिक पहले आता है, तो उसके मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन देंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन देंगे, ये हमारा यू हो गया एंड दिस इज वी, राइट स्टूडेंट। तो अगर इस कोड वर्ड में से कोई दो फंक्शन अगर एक साथ आ जाते हैं, तो इस कोड वर्ड में जो अल्फाबेट जिस ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में हम फंक्शंस को यहाँ पे नेमिंग देंगे फर्स्ट एंड सेकंड की, राइट स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करते हैं। सपोज आपके पास एक्स और ई एक्स आ जाए, एक अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे नेमिंग आपको क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कैसे दी है नेमिंग, ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास अलजेब्रिक था, ओके, एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक पहले आएगा, उसको फर्स्ट दिया, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, राइट, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देन अगेन इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स होल डी एक्स प्लस सी, एंड इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा x इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर x डी एक्स प्लस सी। तो फाइनली सॉल्व करके आएगा x रेज टू पावर ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर x प्लस सी। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल हो गया, राइट। तो अभी जो कॉर्डबर्ट बताया उसके अकॉर्डिंगली भी आप, अगर आपके पास फाइव फंक्शंस में से कोई भी दो फंक्शन एक साथ आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको वन एंड टू आप उसको नेमिंग देंगे, उनको ऑर्डर देंगे। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एलजेब्रिक है और कॉस आपके पास है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमैट्रिक। तो पहले एलजेब्रिक आता है, इसके मतलब ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, ये यू हो गया और ये आपका हो गया वी, ओके। नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो कितना सिंपल होता जा रहा है, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको मालूम हुआ है किसको आपने लेकर चल रहा है, उसके बाद जस्ट इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। नाउ सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एक्स, नाउ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देन अगेन इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, यही सेम टर्म यहाँ पे आ जाती है, नाउ डी एक्स प्लस सी, और ये आपके पास आएगा एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, और ये आपके पास सॉल्व करके आएगा एक्स साइन एक्स एंड साइन एक्स इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस कॉस एक्स प्लस सी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सपोज अगर आपके पास सेपरेटली आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ जाए, मान लीजिए आपके पास आ गया साइन इनवर्स एक्स, ओके, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, तो देर इज नो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने का, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको वन से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन में, वन तो होगा ही। तो वन मैंने भी आपको बताया एलजेब्रिक में नंबर्स भी आते हैं और पॉलीनोमियल्स भी आती हैं, तो ये आपका एलजेब्रिक हो गया और ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया,
तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एलजेब्रिक आएगा कि इनवर्स आएगा, सबसे पहले इनवर्स आता है तो उसके मतलब इसको हम एज ए फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे और इसको हम एज ए सेकेंड फंक्शन, तो ये हमारा हो गया यू, ओके एंड दिस इज वी, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेके चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, सेकेंड फंक्शन हम लेकर चलेंगे वन को, उसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स देन इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, ओके नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ वन, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स ही आ जाएगा, एक्स लिख देती हूँ एक्स डी एक्स प्लस सी, सो इट विल बी साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स यस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और एक्स का कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास, तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, विद सब्स्टिट्यूशन यस, विद सब्स्टिट्यूशन यस, पुट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, सो माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड फ्रॉम हेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी, राइट। पुट कर देंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, हाँ जी एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू तो प्लस हो जाएगी, प्लस वन बाय टू डी टी, और ये नीचे आपके पास रूट में टी बन जाएगा, रूट टी बन जाएगा जो कि ऊपर आके हो जाएगा टी की पावर माइनस वन बाय टू, राइट। और नाउ वेरी सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू, इसका इंटीग्रल आ जाएगा रूट टी बाय वन बाय टू प्लस सी, वन बाय टू से वन बाय टू कैंसल एंड जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ टी, सबसे लास्ट में आपने क्या पुट करना है टी के प्लेस पे, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, सो अवर आंसर विल बी एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स आपको अलग से आपके पास आ जाता है सिर्फ ओनली साइन इनवर्स एक्स, तो आप उसको पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को आप एज एलजेब्रिक लेके चलेंगे, इनवर्स फंक्शन आपका इस कोड वर्ड के हिसाब से एज ए फर्स्ट फंक्शन आप ले लेंगे और वन को आप एज ए सेकेंड फंक्शन, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नाउ इट्स वेरी सिंपल, आगे बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें भी एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी, यस। तो अभी मैंने बात करी साइन इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स कह सकते हैं, कॉस इनवर्स, इनवर्स फंक्शन की मैंने यहाँ पे बात करी कि अगर सिर्फ आपके पास इनवर्स फंक्शन आ जाए, यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन साइन इनवर्स का कराया, अगर वो टेन इनवर्स का आ जाए, कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर आपके पास अकेला आता है तो आप उसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज लॉग फंक्शन आ जाता है, लॉग एक्स, तो स्टूडेंट लॉग एक्स का भी इंटीग्रल आपको नहीं पता, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सेम हेयर आप वन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, दिस इज एलजेब्रिक, दिस इज लॉगरिथम, ठीक है, और आइलैंड के हिसाब से यस कौन पहले आता है, एलजेब्रिक की लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आता है, तो इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे यू फंक्शन, और इसको एज ए सेकेंड फंक्शन वी फंक्शन, राइट। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, चलिए अप्लाई कर देते हैं, वेरी सिंपल, सबसे पहले लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन द इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, राइट, डी एक्स प्लस सी, इट विल बी लॉग एक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स, देन अगेन इंटीग्रल ऑफ वन एक्स, ओके एक्स एक्स कैंसिल हो गया एंड ये आपके पास वन बन गया और वन का इंटीग्रल एक्स होता है प्लस सी, तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है जस्ट बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक का, बेसिक हमने स्टडी किया है, फॉर्मूला हमने स्टडी किया कि इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे डिराइव हुआ, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की जो बात आती है तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, उसके ऊपर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए, राइट। तो इसी टॉपिक को हम आगे यहीं इसी पॉइंट से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस करे और नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफरेंट लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्राई योर क्वेश्चंस एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू।